हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम पाई चार्म का प्रयोग सीखेंगे, यानी पाई चार्म जो होता है उसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। तो यहां से मैं टाइप करता हूं पाई चार्म, तो ये पाई चार्म मैंने डाउनलोड कर रखा है और यहां पर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ओपन होने लगेगा। अब ये देखिए ओपन हो रहा है और यहां से हमें सीधा कहां जाना है, फाइल पे जाना है। तो ये फाइल पे जाएंगे और यहां से न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। तो जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे तो यहां हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, लाइक मैं यहां पर दे देता हूं डिवीजन, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और यहां पर कोड लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, ए इज इक्वल टू, अब ये फ्लोट टाइप का बना रहा हूं। अब ये फ्लोट टाइप का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जो वैल्यू हम देंगे वो फ्लोट टाइप की देंगे। तो फ्लोट इनपुट करूंगा, ए इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, ये मैंने दे दिया और यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहां पर क्या देना है, एंटर द फर्स्ट FIRST फर्स्ट नंबर, तो ये हमने दे दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज करके, जिस तरह से क्लोज आइए क्योंकि दो ब्रैकेट ओपन हुए थे तो दो क्लोज भी होंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। यहां पर लिखता हूं B इज इक्वल टू फ्लोट, यहां फ्लोट ही देना है हमें, FLOAT फ्लोट, और यहां पर देंगे इनपुट। ओके, फ्लोट इनपुट कर दिया हमने और यहां पर देंगे एंटर द सेकेंड नंबर, तो ये दे दिया एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, तो ये दे दिया हमने और यहां पर अब नीचे आएंगे तो इसको डिफाइन करना है कि ये काम कैसे करेगा। तो C इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सिंपल सी बात है। तो C इज इक्वल टू ए अपॉन बी करके और यहां टर्मिनेट कीजिए, एंटर प्रेस करके नीचे आइए। यहां प्रिंट फंक्शन का यूज कर लीजिए, प्रिंट फंक्शन का यूज प्रिंट करवाने के लिए ही करते हैं हम। तो यहां पर लिखा मैंने डिवीजन इज और ब्रैकेट डबल ट्रेड कोर्स को क्लोज किया, कॉमा दिया, सी लिख दिया यहाँ पे, बस आपका ये प्रोग्राम हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाकर के इसको सेव करना है, ठीक है। सेव तो ऑलरेडी है, ये हमने एक बार इसको फिर से डेव डॉट पी वाई के नाम से सेव करते हैं, ये हो गया। तो अब ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। ये छोटा सा ही प्रोग्राम हमारा दो नंबर का डिविजन करके देगा और दो डेसिमल नंबर का डिविजन करेगा। तो यहाँ रन पे चलते हैं और इसको एक बार रन करवा लेते हैं। तो यहां से इसे मेन प्रोग्राम से मैं रन करवाता हूं, तो यहां देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। तो यहां कोई नंबर एंटर करते हैं, लाइक 6 एंटर करते हैं और इसको 3 से नहीं बल्कि 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे 1.2 रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करें, तो यहां से डायरेक्टली रन पे जाता हूं। अब यहां पे देखिए डेसिमल नंबर को ये डिवाइड करेगा, तो ये लिखा मैंने 6.8 और अपॉन, अब देखिए 6.8 एंटर हो चुका है और 4.2 से इसको डिवाइड कराता हूं तो यहां पे हमारा रिजल्ट आ गया 1.61 और व्हाटएवर, ठीक है। यही चीज अगर हम यहां पे फ्लोट की जगह इंट कर देते हैं, देखिए यहां पे मैं दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे इसे मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे अगर मैं इंट कर दूंगा तो ये हमें डेसिमल नंबर टाइप करने की इजाजत नहीं देगा। रिजल्ट भले ही ये डेसिमल में लेके आ जाए लेकिन डेसिमल नंबर टाइप नहीं करने देगा हमें, ठीक है। तो अब इसको सेव कर लेता हूं, अब हम इसको यहां से रन करवाते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे गए और इस बार रन पे चलते हैं और यहां से यही था तो इसको रन करवा लेता, तो यहां आ रहा है एंटर अ नंबर। तो यहां पे नंबर एंटर करते हैं, तो यहां पे देखिए डेसिमल नंबर एंटर करने की कोशिश करता हूं 7.7, एंटर जैसे ही प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमने लिया इंट है और हम कर रहे हैं डेसिमल में, तो ये हमें टाइप नहीं करने देगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसको दोबारा से रन करवाना है, यहाँ पे जाकर के आप रन करवा सकते हैं इसको, तो ये रन हो गया। अगर आप डेसिमल नहीं लेते हैं तो इजिली ये कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ 5 लिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं है इसे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो ये पाइचार्म के ऊपर पहला कोड था, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।